हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया है सर। सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म को इंट्रोड्यूस कराएं। सर, मेरा नाम असद सैयद है और मेरे फार्म का नाम है दरबार स्टड फार्म। दरबार स्टड फार्म। तो कितना टाइम हो गया आपको घोड़े रखते हुए? सरकार, मुझे घोड़े रखते हुए हो गया है 2012 से। मैं घोड़े अपने पास 2012 से। तो मेरे को लगता है मेन शौक जो है 2014 से हुआ मुझे। तो मेरे को लगता है पहली बार मंडी में घोड़े लेके आए हो क्या? जी, मैं पहली मतलब आया हूँ सर। तो यानी 7-8 साल से आप घोड़े रख रहे हो, पर मेरे को लगता है कि स्टड फार्म का नाम अब जाके थोड़ा सा पॉपुलर होगा। नहीं सर, एक्चुअल में मेरा मंशा जो था वो स्टड फार्म को पॉपुलर करना नहीं था, मुझे करनी थी नहीं खिदमत। अच्छा। और आज कई लंबे टाइमिंग के बाद जो है ना, मेरी जब मैं मेले में आया तो कई 2 साल के बाद ये मेला लग रहा था, मैंने कहा कि कुछ मेले में ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके लोगों में घोड़ों का शौक बढ़े। अच्छा जी, इस चीज़ के लिए मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया हूँ। तो सर, कितने क्या घोड़े लेके आए हुए हैं अभी? सर, मैंने 10 घोड़े लाए हैं। 10 घोड़े लाए हैं जी। और अपने फार्म पर टोटल मिला के कितने घोड़ा घोड़ी हैं अभी? टोटल 17 घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म। टोटल 17 घोड़ा घोड़ी है। तो सर, मेले में अभी घोड़े दिखाने के हिसाब से आए हो कि सेल के हिसाब से भी आए हो? नहीं, सिर्फ मैं घोड़े शो करने के लिए आया हूँ, सेल के हिसाब से नहीं आया हूँ। अच्छा, तो घोड़े शो में भी लगाने वाले हो कुछ इसमें से? जी, घोड़े इसमें से मेरे 6 घोड़े शो में लगाऊंगा मैं। 6 घोड़े शो में लगाओगे? तो सारे घोड़े लेके आए हो या घोड़िया भी लेके आए हो कुछ? 2 घोड़िया है और 8 घोड़े है। 8 घोड़े हैं, यानी नर से ज्यादा शौक है आपको? है जी। और बाकी कुछ मेयर है तो वो घर अपने स्टड पर ही है। अच्छा, स्टड पर। हाँ, ही उनकी नीचे बच्चियां है, बच्चे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें नहीं ला पाया, वरना मैं उन्हें भी ले आता। और वो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम मेले में ध्यान में रखना भी क्या है, बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये सर अभी बच्ची है या बच्चा है? ये बच्चा है सर। बच्चा है जी। तो क्या उम्र होगी इसकी अभी? सर, इसकी उम्र होगी अभी 30 मंथ के करीब करीब। 30 मंथ के करीब। और हाइट में कितना होगा ये? ये हाइट के अंदर सर अभी होगा 60 के करीब करीब। 60 के करीब। 60 से हल्का सा निकलता होगा। तो कौन है इसका बाप सर? सर, ये अननोन है। अननोन है जी। मगर ये है कि इसका जो कलर है, कलर है और जो मार्किंग वगैरह है इसकी बच्चे की, वो बड़ी यूनिक है। चलो, आपने ये भी एक ईमानदारी दिखाई कि अननोन बोला। बहुत सारे लोग तो लल्ला के लाइन वाला सर, भी बना देते। मैं नहीं मानता हूँ लाइन अननोन कुछ। मेरे पास लाइन की बहुत सारे घोड़े हैं, मगर लाइन हो या अननोन हो, खिदमत तो हमें करनी है। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन वाला हो, लाइन हो, क्योंकि बस इनका ख्याल रखना है, इनकी अच्छे से खाना पीना, इनकी टेप, सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या नाम रख रखा है सर अभी इसका? इसका नाम गुलजार है सर। क्या नाम है? गुलजार। गुलजार जी। ओके ओके। और ये अपना नुकरा घोड़ा है ना? जी सर, ये नुकरा घोड़ा है। इसका नाम सुल्तान है सर। सुल्तान है। और इसकी हाइट क्या होगी सर? सर, इसकी 62 के करीब करीब हाइट है। 62 के करीब जी। फुल स्पॉटलेस है क्या सर? नहीं सर, कहीं कहीं पर है इसके। अच्छा। कान में जैसे है स्पॉट वगैरह, फुल स्पॉटलेस नहीं है, मगर इसको रिंग में उतारने वाले हैं। रिंग में उतारने वाले, नुकरे वाली रिंग में? नुकरी रिंग में। तो अपने घर की सर होम ब्रीड है कि परचेज किया हुआ है? परचेज किया हुआ है सर। परचेज किया हुआ है सुल्तान को? सुल्तान को। बाकी उम्र क्या बताइए आपने इसकी? ये 5 साल के करीब करीब है। 5 साल के। तो ब्रीडिंग के लिए चालू कर रखा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं किया है। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए भी चालू नहीं किया है। खाली मेरे को लगता है कि बिल्कुल सेवा के हिसाब से ही घोड़ा घोड़ी रख रखे हैं। जी बस सेवा के हिसाब से ही, और सेवा ही करनी है इनकी। तो सर, अभी तक कोई घोड़ा बेचा भी है क्या? नहीं सर, 7-8 सालों में कभी कोई घोड़ा नहीं बेचा है। कोई घोड़ा नहीं बेचा और 7 साल से घोड़े रख रहे हैं जी। तो फिर घोड़े जैसे ज्यादा बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो जैसे अगर किसी से कोई घोड़ा पसंद आया लेना है तो अपने पास से उसे घोड़ा दे दिया और दूसरा घोड़ा ले लिया। अच्छा, उसी से दूसरा घोड़ा, यानी एक तरीके से जो लैंग्वेज पलटी वाला, पलटा कहते हैं, एक्सचेंज किया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, सेल परचेज नहीं किए? बाकी मेरे को लगता है कि मेले के लिए खुरनिया भी बहुत लाजवाब बनवाई है आपने। जी सर, ये कुछ अपने यूनिक होना चाहिए इसलिए किया था। तो क्या सर खर्चा आया होगा एक बनवाने का? सर, ये कुछ 7-8 हज़ार रुपये करीब करीब एक गबन का खर्चा आया था। 7-8 हज़ार रुपये करीब। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल भी रह गया और हमेशा के लिए काम, हमेशा के लिए काम आएगी। तो सर, इसी मेले में आए हो या फिर आगे से कोशिश रहेगी कि हर मेला अटेंड करो? सर, इसी मेले में आया हूँ और आगे से कोशिश ये करूँगा कि किसी मेले में ना हो। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जानवरों को लाने में काफी दिक्कतें होती है। अच्छा, हमें नहीं, हमारी दिक्कतें नहीं है, जानवरों को दिक्कत होती है ठंड की वजह से, चीजों के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर सेल परचेज का पर्पस होता तो बंदे ले आते हैं। हर मेले में मंडी में जाना होता फिर तो। हाँ, सिर्फ मैं एक मतलब ये चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि सिर्फ घोड़े सेल के लिए नहीं होते हैं, खरीद बिक्री के लिए नहीं होते, आपको इनकी सेवा भी करनी है, क्योंकि भगवान ने इनकी सेवा करने के लिए कहा है। अगर जो इनकी सेवा करेगा उसी के साथ वो भी सेवा करेगा उसकी। नहीं तो सर, ये चीज़ जैसे कि आपको पता है, ये चीज़ हमारे बहुत सारे घोड़े वालों को पता है ना जी।
तो आप उन घोड़े वालों को क्या कहना चाहोगे जो जैसे कि आपकी जो उम्र है और आपकी उम्र से जो आज छोटे बच्चे जो मेरी उम्र के वो आती खाली एक ही सवाल करते हैं कि प्रदीप भाई यार स्टड फॉर्म खोलना है और स्टड फॉर्म क्यों खोलना है कमाई के लिए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे यानी कमाई के हिसाब से रखना घोड़ा ज़्यादा बेस्ट है या निस्वार्थ भाव से रखो तो आप जो सोचा नहीं हो वो आपको मिलेगा? सर आपने जो लास्ट में कहा ना जो आपने सोचा नहीं हो वो आपको मिलेगा, आप सिर्फ इनकी खिदमत करो, आप इनकी सेवा करो, रब आपको परमात्मा आपको वो चीज़ें दे देगा जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा, तो ऐसे रास्ते बना देगा। क्योंकि आप अगर धार्मिक हम रिलीजन के हिसाब से बात करें इस्लाम के ताल्लुक से, तो इस्लाम इनके बारे में ये कहता कि जो कयामत का दिन होगा जजमेंट डे जो सबसे आखिरी दिन होगा उस दिन तक इनके पेशानियों के अंदर बरकत रखी हुई है। ओके अच्छा जिस घर में ये होगा ना उस घर में बलाएं परेशानियां नहीं होंगी। तो हमारे यहाँ पर ये भी कहते हैं जो मुल्ला लोग होते हैं वो कि भाई अगर आप घोड़ा नहीं रख सकते हो तो कम से कम उनकी नाल तो भी अपने दरवाजे पर लगाए रखो, नाल लगा के रखो, नाल रखो। और बहुत सारे पुराने घरों पर आप देखोगे दरवाजों पर नाल लगा, आज भी नाल लगी हुई रहती है। हाँ तो नाल इसलिए लगाई जाती है कि भाई ये इतना बरकती जानवर है कि कोई बुरी चीज इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो सर आप घोड़ा नहीं रखते थे उससे पहले के क्या हालात थे और घोड़ा रखना स्टार्ट करा उसके बाद में कुछ लगा कि यार जिंदगी में चेंज आया है? हाँ सर ये बात तो है, मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है 2012 में, उसके बाद मैंने 2013 में या 2012 एंडिंग में ही घोड़ा लिया और घोड़ा लेने के बाद से सर मेरी जिंदगी जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो गई। ये समझ लीजिए कि मैं अगर मिट्टी को भी हाथ लगाऊ तो वो सुना होगी, क्योंकि नीयत मेरी इनको इनकी खिदमत करना थी, इनसे पैसे कमाना नहीं थी। बिल्कुल हाँ अगर आज पैसे कमाना होती तो शायद मैं भी किसी मंडी के अंदर किसी व्यापारी की तरह खड़ा हुआ होता और आज ये नहीं कहता कि मुझे घोड़े बेचने नहीं है। अच्छा क्योंकि हर कोई घोड़े बेचने के हिसाब से मंडी में आता है। बिल्कुल सर, तो क्या नाम रख रखा है सर इसका भी? सर इसका नाम मैंने दुलदुल रखा है, दुलदुल। हाँ और ये मेरा सबसे प्यारा घोड़ा है, मेरे पास और भी बहुत सारे घोड़े हैं, इन सारे घोड़ों में अगर मैं सबसे ज्यादा किसे पसंद करता हूँ तो वो ये घोड़ा है। ये भी अननोन है या इसके बाप का पता है? सर ये अननोन है, अननोन है। अच्छा मगर इसमें कुछ चीजें ऐसी है इस घोड़े में जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले परफेक्ट मोहम्मद ने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि तीन पैर सफेद हो और सीधा वाला पैर ब्लैक हो और माथे पे एक बिंदी हो और होठों पर काला निशान हो तो वो घोड़ा सारे घोड़ों में सबसे पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, तो ये घोड़ा जल्दी किसी को मिलता नहीं है सर, मैंने इसे काफी तलाश करने के बाद ये घोड़ा मुझे मिला। मेरे को ऐसा भी लगता है कि आपने 7 सालों में जैसे कि मार्केट में नहीं आए तो घोड़ों पे घर बैठ के रिसर्च भी बहुत अच्छा किया है, काफी रिसर्च की है। वैसे आपकी एजुकेशन क्या है मैं जानना चाहूंगा? सर मैंने मास्टर डिग्री की है अरबिक से और मेरा एजुकेशन अफ्रीका से कम्प्लीट किया है। अच्छा अफ्रीका से किया है? बिल्कुल, मैं 6 ईयर अफ्रीका था। तो मेरे को लगता है सात साल रिसर्च करने के बाद में फिर मंडी में आयो। चलो चलो बहुत जी। तो सर ये भी घोड़ा ही है ना? जी सर ये घोड़ा है और ये ब्लड लाइन का है, ये रत्नाकर लाइन से है। रत्नाकर लाइन से जी। और ये जो घोड़ा है इसका जो बाप है वो शेरा है और रत्नाकर लाइन से। अच्छा ये अभी अदंत है और 63 के करीब करीब इनकी हाइट है। 63 के करीब अदंत में है ना? जी अदंत में। तो ये रिंग में लगाने वाले हो अभी? जी इसे मैं रिंग में लगाने वाला हूँ सर। ओके और नाम क्या रख रखा है इसका? सर इसका नाम फारस रखा है हमने। फारस जी। तो सर जो लोग जैसे कि आज के टाइम में आपको पता है घोड़े कितने महंगे हो गए है ना जी, मेरे को लगता है ऑडी BMW भी सस्ती है, घोड़े ज्यादा महंगे हैं। तो जो लोगों ने घोड़ों की इतनी रेट बढ़ा रखी है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? वास्तव में घोड़ा इतना महंगा है या फिर शौक करने वाला जो आदमी वो शौक ना कर सके इसलिए इसलिए महंगा कर दिया गया है? सर ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं मगर मैं वास्तव के हिसाब से अगर बात करूं तो घोड़े की कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं है, वो अनमोल है। मगर आज कुछ लोगों ने उसको बिजनेस के लिए है ना महंगा कर दिया, इतना कि कोई अगर मिडिल क्लास वाला बंदा लेना चाहे तो ब्लड लाइन का घोड़ा अपने पास नहीं रख सकता। नहीं जैसे मैं आपसे एक चीज भी पूछना चाहूंगा छोटी सी, जैसे आपने अभी जो मंडी में बहुत अच्छा टेंट लगाया है ना, तो टेंट को देख के भी आदमी जैसे घुसने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता होगा यार पता नहीं यार सब करोड़ों के घोड़े होंगे, तो ऐसा भी कुछ वाक्य हुआ है कि किसी ने आके बोला यार आपके पास तो घोड़े बहुत महंगे होंगे? जी जी सर हुआ है ऐसा। एक कल हमारे पास एक बंदे आए थे वो डिंडोरी से थे, उन्होंने देखे बोले मुझे आपका ये घोड़ा बहुत पसंद आया बोले मगर ये घोड़ा आपका काफी महंगा होगा इसलिए मैं इसकी कीमत आपसे पूछूंगा नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं अगर आप महंगे सस्ते की बात नहीं है मुझे घोड़ा ही नहीं देना है, अच्छा घोड़ा देना होता तो मैं आपसे कीमत भी करता और सस्ते में भी दे देता। बिल्कुल अगर आपका शौक है तो, मगर मुझे मैंने कहा सेल ही नहीं करना है देना ही नहीं है, सिर्फ मैंने शौक के लिए लाया कि आप खिदमत करो। सर आज से 2-3 साल पहले मेरा बड़ा बुरा टाइमिंग पीरियड था मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आई है और
मुझे अगर ग्रोथ मिली है तो वो इन जानवरों की बदौलत मिली है, इनकी बरकतों से मिली है। यानी आपको यानी कि घोड़े की जो निस्वार्थ सेवा करी है जी, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये मेरा अपने गलत अकीदा है और ये मेरा मानना है। और देखो सर, जिसकी जिंदगी में जिस चीज से हो जाए उसका उस पर भरोसा बन जाता है। जी जी, ये तो है सर, ये बिल्कुल। दुनिया क्या कहती है नहीं पता सर, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो फिर वैसे भी हम घोड़े को देव रूप तो बोलते ही है ना। जी, देव रूप तो हम इसे कहते हैं, तो बोलते ही। तो अगर उससे अगर आपकी जिंदगी में कुछ चेंज हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देव रूप तो है ही है ना। देव रूप तो है ही है, बिल्कुल अश्व है। ओके सर, आओ सर। बाकी ये आपका बुलंद घोड़ा है ना? जी सर, ये डायरेक्ट आलीशान से है, जिसने मंडी में लोगों की महफिल लूट रखी है जी। बाकी इस घोड़े के ऊपर जो डिम्पल है ना, उसकी वजह से घोड़े में एक तरीके से चार चांद लग गए हैं जी सर। तो बाकी किसके बाप कौन है इसका? इसका बाप आलीशान है सर। आलीशान है हाँ। और ये हाइट में कितना होगा ये सर? ये 65 के करीब करीब है। 65 के करीब है जी। और जो रुबाब चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए ना घोड़े में सर, वो ये मेरे को लगता है बाहर भी ऐसे रहता है और अंदर भी ऐसा ही जी, रहता जी, है। जी जी सर, बिल्कुल। तो ये भी सर अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीदा हुआ है? ये हमारे एक दोस्त है नगर के, इमरान भाई, हमने उनसे ये घोड़ा लिया था। ओके हाँ। और ये घोड़ा सारंगखेड़ा में शो विनर भी हुआ। कौन सी सन में? 2017 में। 2017 में जी, 2017 में 18 में, और पूना शो में भी ये पूना शो में। तो आपके पास में ही था सर शुरू से या? नहीं, ये उस वक्त इमरान सर के पास था। अच्छा, वहाँ से फिर आपने लिया। ओके, तो तब क्या उम्र थी जब आपने लिया था? जिस वक्त मैंने लिया था उस वक्त ये दो दांत में था। दो दांत में था जी। और आज कितना दांत हो गया ये? ये आज स्टैलियन हो गया है। स्टैलियन हो गया है। तो अभी दोबारा से लगाने वाले हो आप इसको? जी, इस बार शो के अंदर इरादा है मुझे इसको लगाने का, शो में लगाने का जी। और फिर देखो, हार जीत एक अलग बात है, रिंग में लगाने से सर हार जीत से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो आपका घोड़ा है ना, उस घोड़े को आपने रखा क्या, किस तरीके से उसकी केयर किस तरीके से की है, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जीत हार तो ये दुनिया में चलते रहती है सर। और देखो, सारे घोड़े अगर विनर बन जाएंगे फिर हारेगा तो क्या बात है। बिल्कुल सर, ओके। बाकी आप मेले में एक शानदार हुक्का भी लेके आए हुए हैं ना, तो सर ये हुक्का लाने के पीछे क्या पर्पस था? सर ये हाथी के दांत है। अच्छा, ये सब हाथी के दांत है क्या? जी सर। कौन से, ये वाले? ये हुक्का ही हाथी के दांत का है। अच्छा, हाथी के दांत का ही पूरा बना हुआ है? ये दिखावे के लिए है। अच्छा, दिखावे के लिए के एक यूनिक टाइप में कुछ चीजें हो कि भाई जब कोई बंदा मेले में आ रहा है ना, तो उसे कुछ ना कुछ एंटरटेन मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये सब चीजें की है यहाँ पर। मेरे को लगता है दूर से अगर आदमी बाहर से देखता है ना, तो ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या चीज रखी हुई है। वो एंटिक पीस मैंने देखा, पर मैंने उसको थोड़ा सा इसलिए कि बहुत सारे लोगों को कहा है कि वो चीज थोड़ी से दूसरे वे में लग जाती है, इसलिए। बाकी मैं लोगों को जब भी दिखाई देता हूँ एक बार, आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि सर वैसे मोमडन है, पर यहाँ पर जो ये मूर्ति रखी हुई है वो मैं सर से ही जानूंगा कि सर ये मूर्ति के पीछे क्या है रहस्य। सर ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति तो मुझे जो पसंद आई, इस पर जो आर्ट किया हुआ था, उस आर्ट की वजह से ये मूर्ति मुझे पसंद है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये 200 साल पुरानी मूर्ति है। 200 साल पुरानी जी, और हैंडमेक है ये मूर्ति। ओके, और इसको जो कारागिरी की हुई है बंदे ने, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और दूसरी खास बात, जो जिनकी ये मूर्ति है, लोग उन्हें भगवान कृष्ण कहते हैं, और ये बंदा सिंबल ऑफ लव है। बिल्कुल, क्योंकि यही बंदा है जिसने दुनिया को प्यार करना सिखाया। तो सर जैसे आपके धर्म में लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्या कभी? सर ऑब्जेक्शन तो बहुत लोगों ने किया, मगर मैं उनके ऑब्जेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, कि वो क्या ऑब्जेक्शन, क्योंकि मेरी नीयत क्या है इसको रखने में या इसको लाने में, वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल, और वो मेरा परमात्मा जानता है, मेरा रब जानता है। फिर किसी और को एक्सप्लेन, फिर ऐसे बोलते हैं कि आपने रखा है तो कुछ उसमें भी रिसर्च ही किया होगा जी। भले कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं सर, कहने वाले तो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हो गया है, कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, मगर बात ये नहीं है। बात सिर्फ ये है सर कि आप क्या सोचते हो, और ये बंदा है, अगर आप इस बंदे की बातें देखो तो इन्होंने भगवद गीता में कहा है सप्तमे विजयते। बिल्कुल, तो और यही चीज जब आप कुरान में देखोगे तो कुरान ने भी यही कहा, जाल हक्को जहाकल बातिल इन्नल बातिल काना जहूका। जब जब हक आएगा, बातिल को मरना है और वो मरेगा। और फिर देखो, सबों का कनेक्शन जाके तो ऊपर एक ही जगह मिल रहा है, सबका मालिक एक है। और सारे रास्ते गॉड के पास जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा वो अपना ले, ये जरूरी है, दुनिया अपना है ना अपना ही अलग बात है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, सबों की जो पाइपलाइन है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है। तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं?
यहाँ पे सर आपका जो रावण घोड़ा है वो आने वाला है ना? जी सर, वो अभी थोड़ा सा लेट आने वाला है, आधे घंटे, तो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जब तक हम आपको सर का अगला घोड़ा दिखाते हैं। ये भी सर बच्चा ही है घोड़ा है अभी? सर ये मस्ताना, ये अभी मिल्क टीथ में है। मिल्क टीथ में है जी। और इनकी हाइट जो है 62 प्लस है, 62 प्लस के करीब करीब है ये। ओके। और ये इनका नाम हमने मस्ताना रखा है। इनके जो फादर थे उनका भी नाम मस्ताना था। अच्छा, मस्ताना था जो शो विनर हुआ है 2017 में। ओके। सारंगखेड़ा से, यानी बाप का नाम ही बेटे को दे दिया, क्योंकि वो अभी तो फिलहाल रिलायंस में है। बिल्कुल, तो वहाँ से रिलायंस से घोड़े आते नहीं है रिटर्न, तो सेकंड मस्ताना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी घोड़ा ही है सर? नहीं सर, ये मेयर है। मेयर है। प्रेग्नेंट है क्या सर अभी? जी सर, मैंने इसे कवर किया हुआ है। अच्छा, रावण से। रावण से है जी। और उम्र क्या होगी इसकी? इसकी उम्र होगी 7 साल के करीब करीब। 7 साल के? हाँ। और अननोन है या? ये अननोन है सर। अननोन है जी, पर लाइन वालों को टक्कर देती है। होगी तो किसी ना किसी लाइन की, बस आपको पता नहीं है, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है सर। बिल्कुल भाई, क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम रानी रखा है सर। रानी। ये सर अबलक में? सर ये अबलक में, ये भी मेयर है। ओके। और इसका नाम हमने गुलनाज रखा है। गुलनाज। और हाइट में कितनी होगी ये? सर ये हाइट के अंदर 63 के करीब करीब है। 63 के करीब है। और बड़े नाजों से रखा है, इसलिए इसका नाम भी गुलनाज रखा है। गुलनाज रखा है। तो भाई ये लास्ट में मैं अब वीडियो को ख़त्म करूँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा जो भी हमारे यूथ हैं जो घोड़े को पाल रहे हैं अभी इंडिया के अंदर, और बहुत सारे अभी जो एंटर हो रहे हैं लोग वो यूथ ही हो रहे हैं जी, बिल्कुल, तो उन यूथ लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, यानी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? हाँ, क्या मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अभी जो यूथ है ना, क्योंकि अभी जो यूथ है उनको एक ही चीज पता है कि भाई घोड़े बेचो और पैसा कमाओ। जहां तक मेरे को समझ, उनको एक ही मैसेज दूंगा कि आप की अगर हैसियत घोड़े पालने की है तो आप घोड़े पाले, और अगर आप घोड़े नहीं पाल सकते तो किसी और के पास घोड़ा हो तो आप वहां पर ले जाके उसे अपने हाथों से कुछ खिलाए पिलाए, इनकी खिदमत करे, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जब मेले में आते हो तो 150 रुपए आपके लिए मायने नहीं रखते, मगर किसी घोड़े को लेकर के 10 रुपए की अगर आप घास खिला दोगे ना, तो ये घोड़े की बरकतें भी आपको देखने मिलेगी सर। वो 10 रुपए की घास भी हो सकता है कि वो तुमको 10,000 के रूप में मिल जाए। सर 10,000 तो नहीं कहूंगा, अनमोल है वो 10 रुपए की घास। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये अश्व है और इसके बारे में सबने यही कहा कि कयामत तक इनके पेशानियों में बरकत रखी है। तो सर जो लोग जैसे घोड़े की भवरियों वगैरह को लेकर घोड़ों में कमी निकालते हैं, तो उन लोगों सर के मैं तो एक आपको कहूंगा, जो आज मैं माहौल देख रहा हूँ उस हिसाब से जो लोग कमियां निकालते हैं वो एक बिजनेस पैटर्न है। क्या करते हैं कि अगर रेट कम करवाना है जानवर का तो वो सब कुछ तो अच्छा है, बस बोरिया खराब है। अच्छा, ये बोरी बनाने वाला भी तो परमात्मा ही है जो उसने बोरिया उस पे दी। नहीं नहीं, अगर बोरी उसकी खराब है तो फिर तू उसको ले क्यों रहा है? फिर ले क्यों रहे हो? और फिर वो क्या है ना, रेट कम करने के लिए सब इन्होंने फंडे बनाए रखे हैं सर कि बोरी ऐसी है वैसी। हाँ, ये सारी चीजें, मगर अगर आप मानते हो रियल तो ये सारी चीजों को वर्किंग में लाओ, सिर्फ पैसे कम करने के लिए वर्किंग में ना लाओ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। एक बार लास्ट में सर अपना नाम और एक अपने फार्म का कॉन्टेक्ट नंबर और दें। सर मेरा नाम सैयद असद है और मेरे फार्म का नाम दरबार स्टेट फार्म है।